गाइज आज के इस वीडियो को ना आपसे पूरा रिक्वेस्ट है गाइज कि इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, क्योंकि सीवी एडिटिंग करना मतलब लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका भाई आपको बहुत ही आसान तरीके से बताएगा किस तरीके से आप अपनी फोटो को कुछ इस टाइप का सीवी फोटो एडिटिंग कर सकते हो, वो भी स्नैपसीड ऐप का यूज करके। यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, फिर भी आपको समझ में नहीं आया होगा। हम जानते हैं तभी आपके लिए इतना आसान वीडियो बनाया है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले गाइज लेट गेट started. तो गाइस जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो कि हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ से गाइस हम इस फोटो को सेंड करके ओपन कर लेंगे स्नैपचैट ऐप के अंदर, ठीक है। तो गाइस हमने फोटो को यहाँ से शेयर कर दिया एंड यहाँ से ओपन कर लेते हैं स्नैपचैट ऐप के अंदर। तो गाइस हमने फोटो को स्नैपचैट ऐप के अंदर ओपन कर लिया। स्नैपचैट ऐप के अंदर आने के बाद गाइस आपको सबसे पहले यहाँ पेंसिल का आइकॉन पे क्लिक करना है। यहाँ पे गाइज आपको क्लिक करना है यहाँ ट्यून इमेज के अंदर एंड यहाँ से आपको शैडोज यहाँ पे आपको एक दिख जाएगी। शैडोज आपको थोड़ा सा बढ़ा लेना है एंड बस शैडोज ही आपको बढ़ाना है एंड यहाँ पे आपको कॉन्ट्रास्ट मिलेगी, तो कॉन्ट्रास्ट को आपको थोड़ा सा जो है कम कर लेना है, बिल्कुल इतना, ठीक है। बाकी यहाँ से डन करना है। अब आपको इस दोबारा से पेंसिल वाले आइकॉन पर क्लिक करना है। यहाँ आपको चलना है ड्रामा वाला इफेक्ट के अंदर, यहाँ पे आपको ड्रामा मिल जाएगा, ड्रामा पे क्लिक करना है एंड थोड़ा सा जो है इसको कम कर लेना है फिल्टर स्ट्रेंथ को लगभग इतना एंड यहाँ से इसको डन करना है, ठीक है। डन करने के बाद गाइस यहाँ से आपको एक एडिट स्टैक का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है, व्यू एडिट्स पे क्लिक करना है, यहाँ ड्रामा पे जाना है, देन आपको ये पेंसिल वाले आइकॉन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। बाकी इसे आपको 100% कर लेना है एंड कुछ इस तरीके से गाइस आपको अपने पूरे फेस पे इसको चला देना है, ठीक है। याद रहेगा कि आपको इसको स्किन पे ही चलाना है, बाकी आपको कपड़ों उपड़ों पे नहीं चलाना है, ठीक है। तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी से कर लेते हैं ताकि ज़्यादा आपका टाइम ना लगे एंड आप अच्छे से सीख पाओ, ठीक है। एंड गाइज अभी आप फोटो देख पा रहे हो बिफोर आफ्टर बिफोर आफ्टर बिफोर आफ्टर, मतलब कि हमारी फोटो कुछ इस टाइप से अभी दिख रही है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब कि आप देख पा रहे हो कि फेस पे बहुत ज़्यादा सेचुरेशन था पहले, लेकिन अभी नहीं है, अभी तो मतलब सेचुरेशन कम हो गया एंड ड्रामा वाला इफेक्ट जो हमने अप्लाई किया उसके बाद से फोटो जो है बहुत अच्छा लग रहा है, आप देख पा रहे हो। तो यहाँ से हम इसको डन कर लेंगे, ठीक है। डन कर लेने के बाद बैक जाना है एंड यहाँ से इस पेंसिल वाले आइकॉन पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से गाइज आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पोर्ट्रेट का, ठीक है। तो आपको ये पोर्ट्रेट वाले बटन पे क्लिक मतलब कि ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर ये अप्लाई हो तो ठीक है, ना हो तो आप यहाँ पे इसका एक और उपाय है, आप यहाँ इस पेंसिल वाले आइकॉन पे क्लिक कीजिए, यहाँ सेलेक्टिव पे जाइए एंड यहाँ से कुछ इस तरीके से गाइज आपको अपना फेस को सिलेक्ट करना है, ठीक है। एंड यहाँ पर थोड़ा सा जो है आपको कॉन्ट्रास्ट को कम कर लेना है लगभग इतना एंड इसको डन कर लेना है, ठीक है। तो गाइज अभी आप देख पा रहे हो कि फेस पहले से ज़्यादा जो है स्मूथ हो गया, ठीक है। वो मतलब कि पोर्ट्रेट में कभी कभी आपका अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि अगर आपका फेस मतलब इधर उधर रहेगा मतलब डिटेक्ट नहीं कर पाएगा तो नहीं होता है। तो कोई दिक्कत नहीं गाइस, यहाँ से इस पेंसिल वाले आइकॉन पे क्लिक करना है एंड यहाँ से चलना है आपको डबल एक्सपोजर वाले ऑप्शन पे एंड यहाँ से गाइस आपको एक कलर पैनल को ऐड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं। तो गाइस ये रेड वाला कलर पैनल आपको ऐड कर लेना है एंड यहाँ से आपको इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। सब्ट्रैक्ट कर देने के बाद गाइस यहाँ से आपको सिंपल से डन कर लेना है। यहाँ से गाइस अब आपको एडिट स्टैक वाले ऑप्शन पे चलना है, व्यू एडिट्स पे जाना है, यहाँ से डबल एक्सपोजर, देन इस पेंसिल के आइकॉन पर क्लिक करना है एंड इसे आपको 100% करके फोटो को जूम करना है एंड कुछ इस तरीके से गाइज आपको अपना पूरा टी शर्ट पे इसको अप्लाई कर देना है। याद रहेगा इसकी आपको शर्ट पर अप्लाई नहीं करना है, टी शर्ट पर कुछ इस तरीके से अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो इसे भी हम थोड़ा जल्दी जल्दी से कर लेते हैं ताकि ज़्यादा आपका टाइम ना लग सके।
एंड गाइज कुछ इस तरीके से आपको पूरा टी शर्ट पे इसको पेंट कर लेना है। अभी देखोगे बिफोर आफ्टर बिफोर आफ्टर, मतलब कि देख पा रहे हो कि पहले टी शर्ट ब्लैक थी एंड अभी देख पा रहे हो कि रेड कलर की हो गई। तो ये कलर पैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जितने भी पीएनजी बैकग्राउंड ये सब यूज करेंगे सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से गाइज इसको डन करेंगे एंड यहाँ से बैक जाना है। अब गाइज आपको दोबारा से पेंसिल वाले आइकॉन पे क्लिक करना है, यहाँ डबल एक्सपोजर पे, एंड यहाँ से आपको ऐड वाला एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ, तो यहाँ से हम एक बैकग्राउंड को ऐड करेंगे, ठीक है, जो कि सीवी बैकग्राउंड होगा। तो गाइज हमने बैकग्राउंड को जो है ऐड कर लिया। बैकग्राउंड ऐड करने के बाद इसकी ओपेसिटी आपको पूरा आगे की तरफ बढ़ा देनी है, ठीक है। बढ़ा देने के बाद यहाँ से सिंपल से आपको डन कर लेना है। अब गाइज आपको यहाँ एडिट स्टैक पर क्लिक करना है, व्यू एडिट्स पे जाना है एंड यहाँ डबल एक्सपोजर पे, देन आपको इस पेंसिल वाले आइकॉन पे क्लिक करना है, ठीक है। अब गाइज आपको इसको 100 कर लेना है एंड कुछ इस तरीके से फोटो को जूम करना है एंड ऐसे ऐसे आपको चला देना है, ठीक है, मतलब कि पूरा बैकग्राउंड पे आपको चला देना है, ठीक है। याद रहे आपका इसमें बॉडी पार्ट पे बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए, नहीं तो मतलब कि बेकार हो जाएगा, कट जाएगा, तो डुप्लीकेट लगने लगेगा, ठीक है। तो इसे हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी से पूरे बैकग्राउंड पे इसको चला लेते हैं, ताकि मतलब कि आपका टाइम भी बच जाए एंड आप अच्छे से सीख भी पाओ, ठीक है। तो गाइज मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ। तो गाइज कुछ इस तरीके से आपको पूरा बैकग्राउंड पे जो है पेंट कर लेना है। अभी देख पा रहे हो बिफोर या आफ्टर, बिफोर आफ्टर मतलब देख पा रहे हो कि हमने पूरा बैकग्राउंड जो है चेंज कर दिया। पहले बैकग्राउंड मतलब देख पा रहे हो ऐसा था एंड अब बैकग्राउंड जो है ऐसा हो गया, ठीक है। तो इसमें थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा, मतलब ये इतना ईजी नहीं है। वीडियो में भले ही आपको लगा कि मतलब ये जल्दी हो गया, बट इसमें आपको थोड़ा सा टाइम दे के ही करना पड़ेगा, तभी आपका फोटो बहुत ज़्यादा अच्छा एडिट होगा, ठीक है। तो इतना काम गाइज आपको कर लेना है, देन यहाँ से सिंपल से आपको डन कर लेना है, ठीक है। तो डन कर लेने के बाद यहाँ पे आप चाहो तो इसको इसका बैकग्राउंड जो है ब्लर भी कर सकते हो। तो बैकग्राउंड ब्लर करने के लिए आपको ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना रखा है, वो वीडियो आप देख लीजिए, आप बहुत ही अच्छे से सीख जाएंगे बैकग्राउंड ब्लर वगैरह ये सब मतलब कैसे करते हैं, ये सब बहुत ईजी काम है। तो गाइज इतना काम कर लेने के बाद आपकी फ़ोटो कुछ इस टाइप की दिखेगी, आप देख पा रहे हो बिफोर आफ्टर। तो हमारी फ़ोटो में गाइज बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गई है। अब यहाँ से आपको इस पेंसिल वाले आइकॉन पे क्लिक करना है, यहाँ सिलेक्टिव पे, एंड कुछ इस तरीके से गाइज आपको अपना फेस को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ ब्राइटनेस को बढ़ा देंगे एंड सेचुरेशन को कम कर देंगे, ठीक है, साथ ही साथ स्ट्रक्चर को भी कम कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके की गाइज हमारी सीवी एडिटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। तो गाइज हम यहाँ से एक पीएनजी को ऐड कर लेते हैं, यहाँ हम डबल एक्सपोजर पे जाएंगे, ऐड पे जाएंगे एंड गाइज हमने ये वाला पीएनजी जो है ऐड कर लिया एंड इसको अभी हम जूम आउट करेंगे कुछ इस तरीके से। तो जूम आउट और भी ज़्यादा मतलब हम कर लेते हैं लगभग इतना एंड कुछ इस तरीके से गाइज ये यहाँ पे सेट हो गया एंड यहाँ से इसको भी आपको लाइटन पे कर देना है, ठीक है। लाइटन पे कर देने के बाद आप देख पा रहे हो कि हमारी फ़ोटो के ऊपर मतलब यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से सेट हो गया है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। एंड यहाँ से इस टेक्स्ट पीएनजी को ऐड कर लेने के बाद डन कर लेंगे। अब गाइज कुछ भी आपको नहीं करना है, यहाँ शेयर पर क्लिक करके आपको अपनी फ़ोटो को सेव कर लेना है। तो कैसा लगा आपको वीडियो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। बाकी गाइज अगर आपको हेयर एडिटिंग ये सब और भी कुछ सीखना है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज। एंड हाँ यार ये बताना भूल गया, सारे चीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिए एंड टेक केयर, बाय बाय।